मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने फोर्थ क्लास, फाइव क्लास, सिक्स क्लास तीनों का कॉमन व्याकरण पढ़ाया था, जिसमें संस्कृत में वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, लकार कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं, अपर धातु का रूप पढ़ाया था। अब आज मैं बुक पर चैप्टर थ्री वर्ड किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसका कोई अंत न हो। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ से लेके अह तक, जिसमें अ आ ह्रस्व इ दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ री के ए ओ ओ, ये के ग्यारह में वो स्वर वर्ण है, अन अनुसार है और अह विसर्ग है, ये दोनों को मिलाकर अजो व्यवहार होता है। ये दोनों को मिलाकर क्या होता है, अजो व्यवहार। इसके बाद आप चलेंगे व्यंजन में, कवल क ख ग घ अंग सबके नीचे हलंत है, चवर में च छ ज झ य, तवर में ट ठ ड ढ ण, तवर में त थ द ध न, पवर में प ख ग भ म। इस प्रकार से क से लेके म तक 25 अस्पष्ट व्यंजन होते हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन में य र ल व चार होते हैं, उसमें तलादि सा मूर्धनि सा दंति सा ह चार होते हैं, संयुक्त में छ त्र व्य और स्व ये चार होते हैं। इस प्रकार से ये वर्ण चैप्टर जो है वो आपका खत्म हो गया, और इसके पीछे पन्ना पर देखेंगे पेज नंबर 6 पर, संस्कृत में लिंग तीन होते हैं, जो पहले पढ़ाया जा चुका है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। इसके बाद संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर में चलेंगे सबसे, जैसे अ से जो दिया हुआ है, अ से अज होता है, अ से अश्व होता है, अश्व माने घोड़ा होता है। इसके बाद आ से आम्रम होता है, आम्रम माने आम। ई से इच्छु होता है, इच्छु का मतलब होता है ईद। आई फोर ईसा होता है, ईसा माने भगवान। ऊ फोर उल्लुका, उल्लुका माने उल्लू। फिर होता है ऊ फोर, ऊ जो है दीर्घ से उसका मतलब होता है उनम, उनम माने ऊन। री से ऋषि, ए से एणक, ऐसे एणक, ओ से ओखली, अ से औरत, अं से अंशुमान और अह से कुछ भी नहीं। ये आपका चैप्टर फाइव में दिया, फोर में दिया हुआ है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है माने अ से दिया हुआ है बेटा अश्व, अश्व माने घोड़ा होता है, आम्रम माने आम होता है, इंदु माने चलना होता है, और यीशु माने भगवान ईश्वर। उसे उनका, उनका माने उल्लू, और ये उसे उनम, उनम माने ऊन। री से ऋषि, ऋषि माने ऋषि। ए से एका, एका माने काला हिरण होता है। ऐसे रावत, एहावत मैंने हाथी। ओ से ओखली, ओखली माने ओखली। अ से औरत, अन से अंशुमान, अह से पूछना। इस प्रकार से आपका चौथा पाठ हो गया, और पांचवा पाठ में आप देखेंगे एक बार ध्यान से व्यंजन पर दिया हुआ है, क से कपोता, कपोता माने कबूतर, ख से खग, खग माने पक्षी, ग से गजा, गजा माने हाथी, घ से घटा, घटा माने घड़ा। इसके बाद अंग से कुछ नहीं होता है। च से चटका,
चटका माने चिड़िया, छ से छागो, छागो माने बकरा। ऐसे बेटा चाहो तो आसान में छ से छत्रम, छत्रम माने छाता भी लिख सकते हो। ज से जलजम, जलजम माने कमल। झ से झसा, झसा माने मछली। यहाँ से कुछ नहीं। ट से टंगा, टंगा माने कुल्हाड़ी। ठ से ठटका, ठटका माने ठकेरा। अब इसके बाद ड से डैनम, डैनम माने पालकी। और ढ से ढोल, ढोल पर ढोकलम, या ढ से ढोला, ढोला माने ढोलक। ये अब यहीं तक हम रुके हैं, इसके बाद अब आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट दिन, अगले पाठ में हम लोग चलेंगे। ध्यान से सुनेंगे बेटा जी, स्तुति दिया हुआ है। प्रियर अस्तोमा सदगम्या, तम सोमा ज्योति गम्या, मृतो माया मृतम गणम। है बेटा, हे प्रभु मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इस चैप्टर को आप याद करेंगे। और सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है व्यवहार वाक्यानि, व्यवहार में जिसको हम लोग बातचीत में करते हैं, नमस्ते नमस्कार है। इसके बाद तो नाम किम अस्ति, तो माने होता है तुम्हारा, किम माने होता है क्या, नाम माने होता है नाम, अस्ति माने है तुम्हारा नाम क्या है, मम नाम, जो आपका नाम रहेगा बेटा जी भरेंगे, मम नाम अमित अस्ति। आगंचु आगच्छ आगस्तु उपयुक्तम, आओ बैठो। आगच्छामि धन्यवाद, आता हूँ धन्यवाद। उत्तिष्ठ उठो स्टैंड अप, उपविश बैठ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पाठ एक दो क्लियर हो गया, तीन चार मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दिया। ये सारा बेटा जी जब आपका लॉकडाउन समाप्त होगा आप सारा उत्तर लिख कर लाएंगे। मैं चैप्टर एक से लेकर पांच तक मैं चेक करूंगा आपका, पाठ पांच तक मैंने पढ़ा दिया और पांच पाठ तक आप फेयर कॉपी पर फेयर कर लेंगे और पार्ट बाय पार्ट फेयर करेंगे। पार्ट एक का अलग, दो का अलग, तीन का अलग, चार का अलग, और जो लॉकडाउन में इसके पहले पढ़ाया हुआ था अप्रैल महीने में उसको भी आप व्याकरण साइड में लिख लेंगे और सारा कॉपी एक बार चेक होगा।